हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना वैक्सीन सभी जनों के लग रही है, बहुत अच्छी बात है। कोरोना वैक्सीन लगानी भी चाहिए, लेकिन कोरोना वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आ रहे हैं, तो वो साइड इफ़ेक्ट आपको नज़रअंदाज नहीं करने हैं। जब भी आपको कोरोना वैक्सीन लगे, अभी तीन तरह की कोरोना वैक्सीन अपने इंडिया में उपलब्ध है, कोई सी भी वैक्सीन अगर आपको लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर लगे उसके बाद में अगर कुछ ऐसे लक्षण दिखे, मैं तीन तरह के लक्षण आपको बताऊंगा, अगर वो लक्षण आपको दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें या वैक्सीनेशन सेंटर पर रिपोर्ट जरूर कराएं। फर्स्ट लक्षण है, जैसे कि कोई भी वैक्सीन अगर आपने लगाई, अगर आपको सिर दर्द रहता है, अगर छाती में दर्द है आपके, शरीर में अगर आपको सूजन रहती है या उल्टी होती है या फिर सांस लेने में तकलीफ आती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें या जहाँ आपने वैक्सीनेशन लगवाई है वहाँ पे आप रिपोर्ट जरूर करें। सेकंड, इंजेक्शन साइट के अलावा किसी भी हिस्से पे अगर लाल धब्बे नज़र आए और रेगुलर आपको सिर दर्द रहे, तो आपको रिपोर्ट जरूर कराएं वैक्सीनेशन सेंटर पे और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसको आप नज़रअंदाज नहीं करें, अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए मुसीबत खड़े कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपके शरीर में कमजोरी फील हो रही है, अगर शरीर का कोई अंग कम काम कर रहा है या फिर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उल्टी दर्द हो रही है, आंखों में कुछ ऐसा धुंधला दिख रहा है या फिर कुछ लाल धब्बे आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसा डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें या फिर जहाँ पर भी आपने वैक्सीनेशन करवाई है वहाँ पर इसकी रिपोर्ट जरूर कराएं। ये ऐसे तीन लक्षण मैंने आपको बताए हैं, अगर वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में अगर ऐसे लक्षण आपको नज़र आए तो आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी है। इसी के साथ देखते रहें मेरी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।